कहते हैं कि तुम्हारा जो हमारे नाम के प्रति, कथा के प्रति, लीला के प्रति रुचि है, ये मेरी कृपा है, ये मेरी कृपा से तुमको ये रुचि है। ठाकुर जी का नाम कोई ले नहीं सकता है। स्वामी जी, स्वामी राम सुंदर जी कहते थे, एक बार भी यदि तुम्हारे मुंह से कृष्ण शब्द निकल जाए तो उत्सव करना क्या, ठाकुर याद किए हैं, ऐसे नाम नहीं निकल सकता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। ब्रह्मा जी पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम सृष्टि करो। तब आपने 10 प्रकार की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने ये 10 प्रकार की सृष्टि किए हैं। सबसे पहले सृष्टि किए हैं आकाश, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच विषय। इसके बाद आपने वनस्पतियों की सृष्टि की, वनस्पति, औषधि, लता, तुक्षार, विरुद्ध, ध्रुव इत्यादि का सृष्टि किए। इसके बाद महाराज ये अन्य लोगों की सृष्टि किए, खाना पीना, ये जितना भी औषधियाँ हैं ये सब ब्रह्मा जी ने सबकी सृष्टि किए हैं। इसके बाद आपने तिरियन, गाय, बकरा, भैंस, कृष्ण मृग, सुअर, नील गाय इत्यादि की सृष्टि की। फिर एक खुर वाले, एक खुर वाले कौन है, गधा, गधा का एक खुर होता है, दो होता है, गाय का दो होता है खुर, बैल का दो खुर, माने पैर में दो दो नर, उसी तरह कुछ एक खुर वाले को सृष्टि की, गधा, घोड़ा, खच्चा, गोमृग, सफर, समरी इत्यादि एक खुर वाले की। इसके बाद कुत्ता, गिद्धड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव इत्यादि की सृष्टि किए। इसके बाद बकुला, गिद्ध, बटेर, बाघ, भालू इत्यादि की सृष्टि किए। अब नवमी सृष्टि में महाराज रजो प्रधान पशुओं की सृष्टि, पशु पक्षी, और अंत में मनुष्य की सृष्टि। ये मनुष्य की सृष्टि सबसे लास्ट में हुआ है। अब मनुष्यों की जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि यही एक सृष्टि भगवान को प्राप्त कर सकता है। महाराज पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, दक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। ये मानव शरीर की बड़ा भारी महिमा है। यहाँ तक कि स्वर्ग आदि देवता भी मानव शरीर की याचना करते रहते हैं। ये शरीर की 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, जिस शरीर से लोग भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। और महाराज काल का विभाजन किए, एक एक समय कैसे बीतता है, पहले कौन कौन समय से कैसे कैसे रूप आ जाता है। इसके बाद आपने ये भी बताया, देखिए ये घड़ी सेकेंड समय से लेकर के ब्रह्मा जी के उम्र पर्यंत का जो समय है उसको काल काल कहते हैं। दो परमाणु मिलकर के एक अणु हो गया, काल का विकास, और तीन अणु मिलाकर के एक त्रस रेणु, और सूर्य के किरण के झरोखा में जो छोटे छोटे आकाश में उड़ता दिखाई जाता है उसको त्रस रेणु कहते हैं। और उस त्रस रेणु को पार, सूर्य को पार करने में जितना समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं, और 100 त्रुटि को एक काल कहते हैं। फिर वेद कहते हैं, फिर लव होता है, तीन लव का एक निमिष होता है, और तीन निमिष को एक क्षण कहते हैं। महाराज 5 क्षण को एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु होता है, देखिए उम्र तक जाएंगे, और 15 लघु के एक नाड़ी, एक दंड होता है, 2 दंड का महाराज एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने से ये 2 मुहूर्त का समय छोड़कर 6 या 7 नाड़ियों का एक प्रहर होता है, एक उसको एक जाम कहलाता है। मनुष्य को दिन रात का 1/4 भाग होता है। फिर 6 फल का एक प्रस्थ कहते हैं, फिर उसको नाड़ी का, विदुर जी 4 प्रहर के मनुष्य के दिन रात होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक महीना होता है, इन दोनों को मिलाकर एक मास होता है। अब पितरों का एक दिन रात, मनुष्यों का एक महीना, 15 दिन अंजुरिया, 15 दिन अंधेरिया, ये पितरों का एक दिन रात हो जाता है। 2 मास का एक ऋतु होता है, 6 ऋतु का एक अयन, 6 ऋतु का एक, फिर 6 ऋतु एक अयन होता है, 2 अयन का एक वर्ष होता है,
ऐसे एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात। इस तरह महाराज मनुष्यों को 100 वर्ष की परमायु बताई गई है। चंद्रमा ग्रह अश्विनी नक्षत्र इत्यादि मंडल मिलकर संवत्सर होते हैं। इसके बाद महाराज 432,000 वर्ष का कलयुग होता है। इसके दूना द्वापर त्रेता और सतयुग होता है। ऐसे ऐसे 71 चतुर्युगी का एक मन्वंतर होता है। 14 मन्वंतर का एक कल्प होता है। 14 कल्प का एक ब्रह्मा जी का दिन होता है और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ऐसा ऐसा 100 वर्ष का उम्र होता है उनका। अभी 50 वर्ष की उम्र वाले हो गए, द्विप्रांत की आयु है ब्रह्मा जी की। ये सब काल का वर्णन इसीलिए किया गया है कि भैया ये काल है, एक एक क्षण में ब्रह्मा जी के एक क्षण में हम लोग कितने बार जन्म लेते हैं, मर लेते हैं। वो ब्रह्मा जी का कितना उम्र है? तो भगवान ऐसे सांस छोड़ते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मा निकलते हैं, और जब सांस लेते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मा चले जाते हैं। इस प्रकार महाराज यहाँ पर सृष्टि का और ब्रह्मा जी के सृष्टि का वर्णन किया गया। अब ब्रह्मा जी का क्या सृष्टि है? तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद अब उनके 9 लड़के अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें विनारद। महाराज ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी की उत्पत्ति हुई, अंगूठे से दक्ष की, प्राण से वशिष्ठ की, त्वचा से भृगु की, हाथ से क्रतु की, नाभि से पुलह की, पुलस्त कानों से अंगिरा, मुख से अत्रि और नेत्रों से अत्रि और मरीचि मन से पैदा हुए। ये ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हो गए, 10 पुत्र हो गए। इन ब्रह्मा जी अपने पुत्रों से कहे कि बेटा तुम सृष्टि करो। पहले तो संकादिक लोग निकले थे, उनसे कहे कि सृष्टि करो। तो संकादिक कहे कि पिताजी बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो उनको क्रोध आ गया कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। तो महाराज उनके नाक से एक लड़का निकल गया अंगूठा के बराबर और रो रो करके कहने लगा, हमारा स्थान बताओ, हमारा व्यक्ति, हमारा नाम बताओ, हमारी पत्नी बताओ। तो महाराज ब्रह्मा जी ने उनका नाम कहा कि तुम जन्म लेते ही रो रहे हो, इसलिए इसका नाम होगा रुद्र। 11 स्थान 11 रुद्राणी इत्यादि दिए। फिर ब्रह्मा जी ने ये 9 प्रजापतियों की सृष्टि किए हैं। और प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद आप कहे कि तुम लोग सृष्टि करो, लेकिन महाराज ये सब महात्मा कोई सृष्टि कर नहीं जाते। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि हमारा बात कोई मानता नहीं, क्या करूं। तब महाराज ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से पुरुष निकाले और आधे शरीर से एक स्त्री निकाली। जो पुरुष का जोड़ा हुआ महाराज, वह पुरुष आदि राज महाराज स्वयं वो मनु हुए। जो पुरुष था वो सर्व सम्राट स्वयं वो मनु, जो स्त्री थी महारागी साक्षात कौन थे, शत्रुपा। तो उनके मनु महाराज के फिर 4 लड़के 5 संतान, 3 लड़के और 3 लड़की हैं। प्रियव्रतो तामपाद तृण कन्या से भारत। प्रियव्रत महाराज, तामपाद और 3 लड़कियां आकुति देहूति और प्रसूति। आकुति की शादी रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और देहूति की शादी कर्दम जी के साथ। इसके बाद महाराज इतना कथा कह दिया, और अधिक कहने की जरूरत नहीं। फिर ये प्रश्न पूछे तब आगे कथा बढ़ाए। किसी कथा को बहुत शॉर्ट में कह देते थे सुखदेव जी, और परीक्षित जब उसका विस्तार करते थे तब वो विस्तार करते थे। तो हम लोग भी कथा यहीं पर विश्राम करें। कल से 12 भगवान की कथा, कल से सृष्टि प्रकरण 12 भगवान की लीला और सृष्टि विस्तार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ब्रजरानी राधा रानी की जय। अनंत श्री विभूषि पंडित बाबा जी महाराज की जय। जय जय।
विचार करो।